अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाते हैं ईद स्पेशल दही बड़ा तीन फ्लेवर में, जो है इस तरह से आप लोग बनाइए। मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए। और हम सारे मसालों की रेसिपी जो है डाल चुके हैं। धुली उड़द चार घंटे पहले हमने इसको भिगो दिया था, इसको हमें बारीक पीस लेना है। और कुछ हमने मसाले लिए हैं दही बड़े के लिए, ये हमने लिया है सूखा पुदीना, इसको घर में हमने धो के सुखा लिया था। और एक चम्मच सौंफ लिया है, थोड़ा सा एक काला नमक हमने लिया है, और ये सफ़ेद वाली काली मिर्च जो होती है देगी मिर्च इसको कहते हैं, अगर ये आपके पास में नहीं ना तो आप काली मिर्च भी ले सकते हैं। अब इसको बारीक पीस लेना है। दाल देखिए इस तरह से बारीक पीस लिया है, अब इसको हमें फेंटना है जो है। और अब हमें थोड़ा सा इसमें डालना है किशमिश, बादाम, काजू, सब डालकर हमें इसको फेंट लेना होगा। वाला ये मसाला भी हमने तैयार कर लिया है, अब हम चलते हैं बड़ा तलने के लिए। लो हमने दही लिया हुआ है, इसमें हमें दो चम्मच शक्कर डालना है। शक्कर डाल के हमको अच्छे से फेंट लेना होगा। हमको इसको किनारे रख देना है। दाल को हमें कम से कम दो से तीन मिनट तक मेवा डाल के जो फेंट लेना होगा। तेल गर्म हो चुका, अब हमको इस तरह से डाल देना होगा जो है तेल में, जैसे पकौड़ी बनाते हैं इस तरह से गोल गोल शेप। हमें गोल्डन फ्राई तक इसको फ्राई करना है। एक तरफ हो चुका है, हमें दूसरी तरफ पलट देना होगा। गोल्डन फ्राई हो चुका है, अब हमको इसको निकाल लेना होगा। फ्राई हो चुका, अब हमको पानी में डाल देना है, बिल्कुल सादे पानी में, कम से कम तीन से चार मिनट के लिए पानी में पूरे भरे डाल देना है। दही बड़े को डाले हुए कम से कम तीन मिनट हो चुका, अब हमको इस तरह से जो है हाथ से दबा दबा के हल्का हल्का सा हमें दही में डाल देना है। दही बड़ा बनके तैयार है, अब हम चलते हैं इसको तीन तरह के सर्व करते हैं जो है, जो हमने अभी मसाला बनाया था ये, और जो रमज़ान स्पेशल में हमने दही बड़े का मसाला बनाया था, और चटनी वाला, तीन तरह का। एक बड़े में हम तीन तरह का आपको टेस्ट देते हैं। हम ये जो मसाला हमने पीसा था एक इस तरह से ही हम बनाते हैं। एक फ्लेवर ये आता है और दूसरा फ्लेवर जो है आता है, जो है ये हमने दही बड़े का मसाला जो रमज़ान ने बनाया था इसका जो है। और तीसरा फ्लेवर ये चटनी वाला आता है, ये भी हमने रमज़ान स्पेशल में चटनी डाला था। और इसको और भी टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें अनार हम डाल देते हैं। मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए।